हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और वो एक्सपेरिमेंट है जो कि आप डेली लाइफ में उसको बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हमारे पास एक बॉडी स्प्रे है। इस बॉडी स्प्रे में आप देखते होंगे कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले करते क्या हैं कि इसके ऊपर एक ये पिस्टन टाइप की लगी हुई है, ठीक है, एक बटन लगा हुआ है, उसको आप प्रेस करते हैं जैसे। तो देखिए, जरा स्प्रे निकल रहा है ना, और ये काफ़ी बॉडी स्प्रे, ये काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। तो बेसिकली आज हमारा फैक्ट यही है कि इसके पीछे क्या फिजिक्स लग रही है जिसके कारण इसमें जो अंदर गैस भरी हुई है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। ठीक है, आइए आज हम इस फैक्ट को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसके पीछे फैक्ट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि जो गैस फिल्ड की गई है या जो गैस भरी गई है वो हाई प्रेशर पे, ठीक है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो काफ़ी कम है। अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा, बाहर का प्रेशर काफ़ी कम, ठीक है, पहला फैक्ट, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जब मैंने इसको प्रेस किया, देखिए निकल रहा है ना, जब मैंने इसको प्रेस किया तो प्रेस करने के टाइम पे क्या होगा, इसमें एक बहुत पतली सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत पतली सी नोजल टाइप की एक शाफ्ट सी लगी होती है, बहुत छोटी सी नली सी लगी होती है। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो उस छोटी सी नली में एकदम से एयर पास होती है। एकदम से एयर जब पास होती है तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ बर्नौली थ्योरम, अगर जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है कि इसे एकदम से पास होती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वहाँ पर वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो बर्नौली प्रमेय की सहायता से आप जानते हैं कि प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे प्रेशर कैसा है इसमें, बहुत ज़्यादा, तो नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा, ऊपर प्रेशर बहुत कम, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दावांतर उत्पन्न हो जाता है, और वो जो लिक्विड है, जो कि गैस है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ आई। ठीक है, तो जब वो नीचे ऊपर की तरफ आई, उस ऊपर के पॉइंट पर पहुंच गई, तो पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वहां पर वो नोजल बहुत पतला सा है, तो जैसे ही उसमें आएगी, तो हमने उसको प्रेस किया हुआ था वो नोजल से पास हुई, तो जो हमने पीछे से प्रेस करने के टाइम पे इसमें जो एयर बहुत तेज़ी से फ्लो की थी, वो जो लिक्विड था वो उस एयर के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, जब वो लिक्विड एयर के साथ मिक्स हो गया, और आपको पता है कि वहां पर अगर जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा वहाँ पर, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलेगा, और ये जब वो लिक्विड जो है वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है तो वो जो बाहर जो हवा है ना, एयर है, उसके पार्टिकल्स के साथ या एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है, जिसके कारण आपको स्प्रे जैसा दिखाई देता है। देखिए, स्प्रे जैसा है ना, ठीक है, ये हो कैसे रहा है कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा, उसके नोजल में जैसे ही हमने इसकी पिस्टन को दबाया वहाँ पर प्रेशर कैसा हो गया, बहुत कम हो गया, प्रेशर डिफरेंस के कारण वो ऊपर की तरफ आया, वहाँ पर वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण वो बहुत तेज़ी से बाहर निकला, और बाहर निकला तो प्रेशर बाहर बेसिकली कम था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो एयर थी वो एयर में मिक्सअप हो गया, ठीक है, और वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर। ठीक है, बेसिकली इसके पीछे जो मेन इफेक्ट है वो बर्नौली थ्योरम का है, जिसके कारण जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम होती है, और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर। आई होप आपको ये छोटा सा आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला फैक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ गुड डे।